आपने चार्ल्स डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ के बारे में तो सुना ही होगा। ये नियम हमारी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कहता है, खासतौर पर एनिमल किंगडम के बारे में। जंगल की दुनिया में सारी लड़ाई सर्वाइव करने की है। यहाँ हर दिन जानवरों को एक नए खतरे से भिड़ना पड़ता है और खुद को जिंदा रखने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। फिर चाहे वो शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ जैसे बड़े जानवर हों या फिर वीसल जैसे छोटे शिकारी। हालांकि जंगल में सबकी लड़ाई का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जब बात जान पर आती है तो हर जानवर खुद को बचाने के लिए बेस्ट बैटल ऑफ लड़ते हैं। आज की वीडियो रोमांचक होने वाली है, क्योंकि हम कुछ ऐसे ही बैटल ऑफ वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि सर्वाइवल किसे कहते हैं। इस वीडियो में आप हाथी को दो हिप्पो से अकेला भिड़ते पाएंगे, एंटीलोप को जिराफ पर हमला करते देखेंगे, एक भैंस और राइनो को दो दो हाथ करते हुए पाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इपिक इंटरेस्टिंग वीडियो को। हिप्पो वर्सेस एलिफेंट। कहते हैं कि माँ का प्यार चूहे को भी शेर बनने के लिए उकसा सकता है, फिर हाथी का आक्रामक होना तो बनता ही है। एनिमल किंगडम के इस विशाल जानवर को आप अक्सर तभी गुस्से में पाएंगे जब बेबी एलिफेंट के साथ कोई हादसा होगा। इस क्लिप में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। हालांकि नदी किनारे भारी गर्मी में कई एलिफेंट्स पानी का मजा ले रहे हैं, लेकिन नदी में मौजूद हिप्पो की नजर माँ और उसके बेबी एलिफेंट पर टिकी है, जो वहाँ पानी पीने के मकसद से आए हैं। आप देख सकते हैं कि हाथी और बच्चों को पानी में देखते हुए हिप्पोपोटामस का पूरा ध्यान इन दोनों पर शिफ्ट हो जाता है। हिप्पोस जो अपनी टेरिटरी में दूसरे जानवरों को पसंद नहीं करते, उनके लिए इस तरह व्यवहार करना लाजमी है। ये बच्चा हिप्पो की तरफ आ रहा है और उसके मंसूबे साफ नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे हाथी बच्चे के साथ साथ नदी पार कर रहा है और हिप्पो भी उसके पीछे पीछे नजर गड़ाए चल रहा है। थोड़ी देर बाद उसका साथी भी वहां आ धमकता है और अब ये दोनों जीव मिलकर हाथी के बेबी पर हमला करने की फिराक में है। जैसे ही बच्चा उनकी तरफ आता है, हिप्पो चार्ज करने की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन हाथी दहाड़ते हुए दोनों जानवरों पर हमला कर उन्हें पीछे होने को कह देती है। हाथी के गुस्से को देखते हुए हिप्पो को वापस लौट जाना पड़ता है। दोस्तों, भले ही हिप्पो बेहद ही आक्रामक जीव है, लेकिन वो जानते हैं कि बड़े जानवर से भिड़ने का नतीजा शायद इनके हक में ना हो, वो भी तब जब वो अपने बच्चों के साथ हो। जिराफ वर्सेस एंटीलोप। हमारी अगली बैटल ऑफ में एक एंटीलोप जिराफ पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ये वीडियो उदाहरण है इस बात का कि कभी कभी लंबे कद वाले जानवर भी छोटे जीवों से मात खा सकते हैं। एंटीलोप और जिराफ के बीच की ये लड़ाई काफी नुमाइश की है, बल्कि ये लड़ाई टेरिटरी को लेकर है। इस जंग में जिराफ और एंटीलोप एक ही टेरिटरी शेयर कर रहे हैं। ऐसे में सर्वाइवल और दबदबे के लिए दो जानवरों का आपस में लड़ना और भिड़ना तो लाजमी है। आप देख सकते हैं कि लड़ाई की शुरुआत हमें एंटीलोप की तरफ से ही देखने को मिलती है, जो जिराफ को अपने सींग से मारने की कोशिश करता है। इस हमले पर जिराफ भी अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि आज एंटीलोप किसी बात से बहुत ज्यादा नाराज है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ जिसने एंटीलोप को लड़ने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जीव जिराफ पर पूरे गुस्से से चार्ज करता है और अपने सींग से उसे धक्का मारने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए भले ही जिराफ दूसरी तरफ दौड़ता है, लेकिन ये जीव उसका पीछा छोड़ने को राजी नहीं है। वो इसे इसके इलाके से बाहर खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। जिराफ एंटीलोप से पीछा छुड़ाते हुए वापस अपनी जगह जाने की कोशिश कर रहा है और ये जानवर उसे पूरी ताकत से नॉकआउट करना चाहता है। वो तो शुक्र है कि जिराफ का कद लंबा है और इसीलिए वो आज मरते मरते बचा है। राइनो वर्सेस बफेलो। दोस्तों, राइनो काफी आक्रामक जानवरों में से एक है जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस जीव को हराना काफी मुश्किल है। शरीर के साथ इसके पास इतनी ताकत है कि ये शेर से भी भिड़ने में हिचकिचाता नहीं है, लेकिन इस क्लिप में राइनो और बफेलो आमने सामने हैं और यहाँ हमले की पहल भैंस ने की है, जिन्हें हम अक्सर शांत ही देखते हैं। इन दोनों जीवों की भिड़ंत में ये एक दूसरे पर सिंग से हमला कर रहे हैं और दोनों के बीच की लड़ाई टक्कर की है। आकार और ताकत में राइनो से थोड़ा कम होने के बाद भी भैंस पूरी जान से उसे खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। जहां भैंसे का प्लस पॉइंट उसके दो सिंग है, वहीं गेंडे का एक ही सिंग दो के बराबर है और आखिर में राइनो अपने एक ही सिंग के हमले से भैंस को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। एंग्री राम वर्सेस शिप। सींग वाले जानवरों की बात हो ही गई है तो आपको बता दें कि हॉर्न्ड एनिमल बेहद खतरनाक होते हैं। गुस्सा आने पर ये अपने सींग से कुछ भी तबाह कर सकते हैं। जब दो हॉर्न्ड एनिमल आमने सामने होते हैं तो लड़ाई टक्कर की होती है। अब जरा इस वीडियो को ही ले लीजिए, जहां किसी बात पर एक शिप और राम आपस में भिड़ रहे हैं। इन दोनों को देखकर लगता नहीं है कि ये फ्रेंडली फाइट है। इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। दोनों को अपनी जीत पर काफी भरोसा है, लेकिन बार बार टक्कर के बाद ये लड़ाई आखिर में एंग्री राम के नाम हो जाती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि एंग्री राम काफी गुस्सैल किस्म के जानवर होते हैं, जो बिना किसी बात के भी किसी पर भी बरस पड़ते हैं।
हमारी अगली क्लिप में ये जीव गाय को अपना निशान बनाते हैं। एंग्री राम को अपनी तरफ आता देख गाय भी पूरे जोश में आगे बढ़ती है, लेकिन इस छोटे से जीव के एक ही वार से वो मुंह के बल गिर जाता है। कभी कभी लगता है कि जब दिमाग बढ़ रहा था तो राम उस लाइन में सबसे पीछे खड़े थे, तभी तो ये जीव गुस्से में आकर ऐसी बेवकूफी कर बैठता है जिसे देखकर हंसी आती है। अब जरा ऐसी ही एक और क्लिप को देखिए, जहां दो राम आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में लगी फेंसेस नहीं दिखाई दे रही है। इनका गुस्सा इतना ज्यादा है कि बार बार हमला करके ये आखिर में फेंस ही तोड़ देते हैं। याक वर्सेस याक। जंगल हो या रेगिस्तान हो या फिर पहाड़, दो जानवर जब भी आपस में भिड़ते हैं तो उनके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अब जरा इस क्लिप को ही देखिए, जहां दो याक के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। दोनों ही जानवर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और एक दूसरे पर सींग से हमला कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को पहाड़ की ढलान की तरफ खदेड़ रहे हैं ताकि ये लड़ाई आसानी से दूसरा जीत जाए। यहां जंग जीतने के साथ साथ खुद को नीचे गिरने से बचाना भी बहुत जरूरी है। काफी उठा पटक के बाद आखिर में जीत किसी एक की होती है और वो अपने साथी को सींग के वार से पहाड़ से नीचे गिरा देता है। बुल्स वर्सेस बुल्स। कभी दो सांड को सड़क के बीचों बीच लड़ते देखा है? जाहिर सी बात है कि आप में से कई लोगों ने यह नजारा पहले भी बहुत बार देखा होगा, क्योंकि सांड और गाय जैसे जानवरों का सड़कों के बीचों बीच ऐसे फटकना बेहद आम है। ये क्लिप भी किसी शहर में फिल्माई गई है जहां ये दोनों सांड काफी देर तक एक दूसरे को मारने की जद्दोजहद में लग रहे हैं। आसपास से गुजरने वाले लोग भी इस लड़ाई को देखकर हैरान हैं, लेकिन आखिर में इस भिड़ंत का कोई विजेता नहीं बन पाता और घंटों तक इनकी लड़ाई जारी रहती है। एलिफेंट वर्सेस बफेलो। जंगल में हाथी दूसरे जीवों से पंगे लेते कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये तब तक शांत नहीं होते जब तक इनके दुश्मन की जान न चली जाए। इस क्लिप में हाथी सामने खड़े भैंस से किसी बात से नाखुश होकर उसकी तरफ पड़ता है। जान गंवाने के डर से भैंसा पीछे खिसकने में ही भलाई समझता है। ऐसे में ये नटखट हाथी जमीन पर लेटे भैंसे के सर पर लात से मारता है। हालांकि इसका हमला काफी हल्का सा होता है, लेकिन इस जरूरत से गुस्साया भैंसा अटैकिंग मोड में आ जाता है और हाथी पर अपने सींग से मार देता है। लेकिन अब ये हाथी लड़ने के मूड में नहीं है, वो पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। खैर, ये तो थी हाथी और भैंस के बीच की होने वाली एक छोटी सी नोकझोंक, लेकिन अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो काफी गंभीर है। अफ्रीका के जंगलों में फिल्माई गई इस क्लिप में गुस्से से पागल हाथी बिना किसी बात के भैंसे पर हमला करता है और तब तक उसे अपनी सूंड से मारता रहता है जब तक कि उसकी जान न चली जाए। भैंसे के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। आखिर में हिम्मत हार कर भैंसा अपना दम तोड़ देता है। एलिफेंट वर्सेस राइनो। हाथी अपने बच्चों को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं, वो किसी भी जानवर को उनके पास फटकने नहीं देते। ऐसे में इस जानवर से ये उम्मीद नहीं की जाती कि ये किसी और के बच्चों पर अपना जोर आजमाए। इस क्लिप में हाथी पानी के नजदीक खड़े राइनो और उसके बच्चों को अपना निशाना बनाता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क के इस क्लिप में जैसे ही हाथी इस बच्चे की ओर बढ़ता है तभी मादा राइनो बीच में आकर हाथी से भिड़ने की कोशिश करती है। हाथी उसे सूंड की मदद से पानी में धकेल देता है। अपने बच्चे को सुरक्षित देख राइनो बेबी के साथ वापस जंगल की तरफ दौड़ लेती है। हैरानी की बात है कि हाथी हमले के लिए पीछे पीछे उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन काफी दूर निकल जाने के बाद वो वापस लौट आता है। शुक्र है कि इस लड़ाई में इस बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बैटल ऑफ जिन्हें जानवर अक्सर जंगल में अपने दबदबे और सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि आपकी जिंदगी दांव पर लगी होती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक बैटल ऑफ किस जानवर की लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।